नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी छोटी छोटी सात बातें। अगर आप ये बातें ध्यान में रखोगे, ये सावधानियां बरतोगे, या फिर ये वास्तु के जो नियम है इनको आप अगर फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छे धन लाभ के संकेत मिलेंगे। जो भी आपका अटका हुआ पैसा है वो मिलने में मदद मिलेगी। आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हो उसका आपको योग्य मात्रा में, आपको जो एक्सपेक्टेड है उतना रिटर्न्स मिलेगा। तो ये क्या टिप्स है ये हम देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ में, आपके रिश्तेदारों के साथ में जरूर इस चैनल को शेयर कीजिएगा। तो ये जो वास्तु में यहाँ पर मैंने मुख्य दिशाएं दिखाई है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अभी इसमें हम जानते हैं कि जब भी हम सुख समृद्धि चाहते हैं, हम अपने सभी जो लोग हैं वो अपने जीवन में हर तरह का प्रयास करते हैं कि हमें सुख शांति चाहिए, हमें पैसा चाहिए ताकि हम जो चीजें हमें खरीदनी है वो खरीद सके। और अगर नहीं मिलता है, जो चीजें हमारे मन के हिसाब से नहीं होती है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होती है, तो बहुत बार लोग इसकी वजह से अशांत रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। बाकी आपका सब ठीक है लेकिन एक्सपेक्टेड इनकम नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से वो बहुत टेंशन में होते हैं। इसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि वास्तु में ये जो साउथ ईस्ट यानी पूर्व और दक्षिण, इनके बीच में जो आता है अग्नि तत्व, इस अग्नि तत्व की जो दिशा है, अग्नेय दिशा, इस दिशा में लाल घोड़ों का एक जोड़ा आप यहाँ पर रख सकते हैं, फोटो रख सकते हैं, मूर्ति रख सकते हैं, कुछ भी चलेगा। साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक इस डायरेक्शन में आपको वो तस्वीर या मूर्ति जो भी है लाल घोड़े के पैर की, वो आपको यहाँ पर रखना है। ऐसा करने से क्या है, एक तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो भी आपका मनी गेन है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वो अपने क्षेत्र में बहुत आगे जाता है। अपने क्षेत्र में तो आगे जाता ही है लेकिन वो और भी नए नए अपॉर्चुनिटीज या नई कुछ दिशाएं खुद के लिए ओपन कर सकता है। इसलिए यहाँ पर जो है साउथ ईस्ट में आपको लाल घोड़े का जो पैर है उसका फोटो या मूर्ति यहाँ पर लगाना है। उसके बाद में क्या है कि घर की जो उत्तर पूर्व दिशा, यानी कि ये उत्तर और ये पूर्व, यानी कि ईशान्य कोण, यहाँ पर अगर आप स्टोर रूम बनाते हो तो ये बहुत निगेटिव होता है। अगर आपका स्टोर रूम है तो आपको यहाँ से सबसे पहले जो कूड़ा कचरा है या फिर जो गंदगी है, ऐसी सब चीजें आपको यहाँ से हटानी है, क्योंकि ये आपका पैसा तो ब्लॉक करेगा लेकिन आपको मेंटली भी ये जल्दी पॉजिटिव थॉट्स आने नहीं देगा, क्योंकि ये एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है। वास्तु पुरुष का सर यहाँ पर होता है नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको देखना है कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं स्टोर तो नहीं है। अगर है, यानी कि ऐसा नहीं है कि स्टोर रूम ही चाहिए, आपने समझो कुछ ऐसी चीजें रखी है जो कि बहुत टाइम से यहाँ पर पड़ी हुई है, वो भी एक एनर्जी को वहां पर स्टेबल करके प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसकी वजह से भी बहुत सारी गंदगी होती है, तो वो भी आपको साफ करना है, ये ध्यान में रखना है। तीसरी बात यह है, घर में जहां पर भी नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ हो, जहां पर भी आपके घर में मंदिर है, पूजा घर है, वहां पे आपको नियमित रूप से एक तेल का दीपक और एक घी का दीपक, ये दोनों जलाना है। और जो घंटी हम बजाते हैं मंदिर में वो आपको घंटी वहां पर बजाना है, क्योंकि ये जो घंटी हम आरती में या पूजा होने के बाद बजाते हैं तो इसके साइंटिफिक रीजन है दोस्तों। इससे जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, ये जो साउंड है इससे जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, तो वो फ्रिक्वेंसी जो है निगेटिविटी को कम करती है, इसलिए आपको ये चीजें करनी है। इसी तरह से शंख भी बजाते हैं, अगर आपको शंख ठीक से बजाना आता है तो आप शंख अगर बजाते हैं एक आध बार तो वो भी आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा आपके पूजा घर में। पूजा घर में कभी भी आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो सूखे हुए फूल है या हार है, पुराने हार है कहीं पर घर में, और कहीं पे भी भगवान का फोटो है, आपने एक बार फेस्टिवल में हार चढ़ा दिया तो वो नेक्स्ट फेस्टिवल में नेक्स्ट ईयर ही निकलता है, तो ऐसा नहीं करना है। वो सूख जाता है दूसरे दिन, तो वैसे फूल हार आपको निकाल देना है, ये बहुत जरूरी बात है दोस्तों। अगर
आपके घर में। अगली बात यह है कि जो धार्मिक पुस्तकें होती है ये अगर गलत दिशा में रख गई तो भी एक वास्तु दोष बनता है। वास्तु के अनुसार फिर इन पुस्तकों को या ग्रंथों को हम कहाँ पर रख सकते हैं? तो एक तो आप आपके पूजा स्थल के नजदीक यानी कि नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, या वेस्ट रीजन में भी आप ये किताबें रख सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। लेकिन कभी भी बेड के अंडर या तकिए के नीचे ये जो ग्रंथ या भगवान की जो किताबें हैं वो ऐसे नहीं रखना है। पश्चिम या ईशान्य कोण में आप रख सकते हैं। इसके बाद में क्या है कि वास्तु दोष के जो कारण होते हैं तो उसमें क्या है, घर के जो सदस्य हैं उनको रात में नींद नहीं आती या स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा होता है, तो उसे दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। जो भी मेंबर ऐसा है जिसको रात में नींद नहीं आती है या बहुत चिड़चिड़ होती है, तो उनका सर जो है सिरहाना वो साउथ की तरफ करना है। यानी कि ये साउथ वॉल है, आपका साउथ वेस्ट में गुड बेडरूम है, तो सिरहाना ऐसे करना है कि आपका सर साउथ की तरफ आए और पैर नॉर्थ की तरफ। अगर आपका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में है तो कोई बात नहीं है, जो नॉर्थ वेस्ट बेडरूम का साउथ वॉल है यानी इधर आएगा तो उसको लग कर आप आपका बेड रख सकते हैं और उस रूम के साउथ की तरफ आप आपका सिरहाना कर सकते हैं, वैसे भी चलता है। अगली बात यह है कि घर में किसी भी कमरे में सूखे हुए फूल नहीं रखना है। यानी कि आपने डेकोरेशन के लिए कुछ फूल रखे हैं, वो फूल सूख गए हैं, या आर्टिफिशियल फ्लावर्स है यानी कि नकली वाले फूल है और वो गंदे हो गए हैं, तो ऐसे नहीं रखना है, उनको निकाल देना है या धोकर साफ करना है। अगर नकली वाले फूल है तो, अगर असली वाले है सूख गए हैं तो उसको आप बाहर फेंक दीजिए। लास्ट ये है कि सुबह के समय में थोड़ी देर के लिए खिड़की दरवाजे सब कुछ आपको ओपन करना है। आपके कौन सी भी दिशा में हो, साउथ वेस्ट में भी आपका अगर विंडो है, बहुत बार क्या होता है कि लोगों को ऐसा बताया जाता है कि साउथ वेस्ट में अगर विंडो है तो आपको हमेशा बंद रखना है, लेकिन दोस्तों घर में एनर्जी फ्लो होने के लिए वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो साउथ वेस्ट या किधर भी विंडो है, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, ईस्ट वेस्ट, साउथ नॉर्थ, किधर भी विंडो है, तो सवेरे के टाइम पे ये सभी विंडो या दरवाजे आप ओपन करके रखिए, ताकि घर में अच्छे से एनर्जी का फ्लो होता रहे। और ये एनर्जी का फ्लो होने की वजह से क्या होता है कि घर में पॉजिटिविटी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ती है। तो दोस्तों ये कुछ 6-7 उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये आप जरूर करके देखिए, इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वैसे ही इस इंफॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों चैनल में जो अलग अलग प्लेलिस्ट है उसको आप जरूर गो थ्रू कीजिए, आपको उससे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।